अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 सेट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पिछले लेक्चर का ही पार्ट 2 है, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व किया था और उसमें भी इसी तरह से दो सेट्स दिए हुए थे और हमें एक सेट को प्रूव करना था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 में भी, क्वेश्चन नंबर 18 भी पिछले क्वेश्चन का ही एक पार्ट है जिसमें ए और बी सेट दिए हुए हैं। यहाँ पर बताया गया है कि ए सिमेट्रिक बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यानी कि ए सिमेट्रिक बी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के इक्वल होना चाहिए, यानी कि दोनों साइड्स के जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले हम एक साइड सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पर ए सिमेट्रिक बी पहले सॉल्व करेंगे। ए सिमेट्रिक बी, ए सिमेट्रिक बी को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले सेट ए ले लेंगे। तो ए सेट है हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4। देन सेट बी आ जाएगा जो कि है 2, 4, 6 एंड 8। पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसी तरह ए सिमेट्रिक बी को सॉल्व किया था। आप चाहें तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हासिल कर सकते हैं। अब हम ए सिमेट्रिक बी मालूम करेंगे। तो ए सिमेट्रिक बी में यूँ तो अगर एलिमेंट सेम ना हो तो हम तमाम एलिमेंट्स, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक साथ लिख देते हैं, मगर इन सेट्स में एलिमेंट सेम है तो हम वो एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे जो कि दोनों सेट्स में सेम है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है तो 2 नहीं लिखेंगे। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है तो दोनों का 4 भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इस सेट में आ जाएगा 1, 3, 6 एंड 8, ठीक है। बाकी के जो आधा सवाल है हम वो सॉल्व करेंगे और उसमें सबसे पहले हमें सॉल्व करना है ए माइनस बी। ए माइनस बी मालूम करने के लिए हमें ए सेट चाहिए होगा और सेट बी चाहिए होगा। तो ए सेट में है हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 और बी सेट में है हमारे पास 2, 4, 6 एंड 8, ठीक है। अब हमें इसको माइनस करना है। ए माइनस बी मालूम करने के लिए हम ये देखेंगे कि ए के जो एलिमेंट्स बी में मौजूद नहीं होंगे वो आएंगे इसमें, यानी कि ए के जो एलिमेंट्स बी में मौजूद होंगे वो नहीं आएंगे, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में मौजूद नहीं होंगे वो आएंगे। तो ए के कौन सा एलिमेंट्स हैं जो कि बी में मौजूद नहीं है? तो ए का एक है 1 जो कि इसमें नहीं है, 2 दोनों में है, 3 इसमें नहीं है इसमें है तो 3 आ जाएगा, और 4 इसमें है इसमें नहीं है तो ए में आ जाएगा 1 एंड 3, ठीक है। बी के नहीं हमने देखने, बी में चाहे इससे भी ज़्यादा हों जो कि ए में मौजूद ना हो, हमें सिर्फ वो एलिमेंट्स देखने हैं जो कि ए में हों बी में मौजूद ना हो। तो सेट ए में 1 और 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि बी में मौजूद नहीं है, तो इसलिए ए माइनस बी का आंसर हो जाएगा 1.3। इसके बाद हमें बी माइनस ए मालूम करना है, तो यहाँ पर हम मालूम कर लेते हैं बी माइनस ए। तो इसके लिए भी हमें दो सेट्स चाहिए होंगे जो कि हैं एक बी सेट और एक हो गया ए सेट। अब बी सेट है हमारे पास 2, 4, 6 और 8, ठीक है, और ए सेट है हमारे पास 1, 2, 3 और 4। अब बी माइनस ए मालूम करने के लिए हमें ये देखना होगा कि बी के वो एलिमेंट्स जो कि ए में मौजूद ना हो वो हम यहाँ लिखेंगे। तो बी में कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ए में मौजूद नहीं है? तो बी में 2 है, यहाँ भी 2 है, बी में 4 है, यहाँ भी 4 है, तो बी के 6 और 8 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि ए में मौजूद नहीं है, तो बी माइनस ए हो जाएगा 6 और 8। इसके बाद हमें ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन निकालना है। आप बुक में देख सकते होंगे कि a माइनस बी और b माइनस ए के दरमियान में एक यूनियन का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि a माइनस बी का जो आंसर है और b माइनस ए का जो आंसर है, इन दोनों आंसर्स के दरमियान हमें यूनियन निकालना है। तो यहाँ आ जाता है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो a माइनस बी में आ जाएगा 1 और 3, ठीक है, फिर u आ जाएगा यूनियन का, और फिर आ जाएगा 6 और 8। तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए का आंसर आ जाएगा 1
8। ए सिमेट्रिक बी का आंसर भी है 1, 3, 6, 8 और ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का आंसर भी है 1, 3, 6, 8। तो यहाँ प्रूव हो जाता है कि ए सिमेट्रिक बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व किया। उम्मीद करती हूँ आज का ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मज़ीद क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।